तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है टिंकू और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पुराने से पुराने वीडियोस पर व्यूज़ कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि दोस्तों ये सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इसी टॉपिक पर ये वीडियो बना है कि दोस्तों आपका सब्सक्राइबर बढ़े, आपका पुराने से पुराने वीडियो पर व्यूज़ आए। तो दोस्तों, व्यूज़ लाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना होगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में इन तकले, और दोस्तों यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात यही करने वाले हैं कि आप यदि एक यूट्यूबर हैं और दोस्तों आप यूट्यूब पर वीडियोज़ तो डालते हैं बट उसका जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, या तो फिर आपका जो है व्यूज़ नहीं आ रहा है आपके वीडियोज़ पर। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने पुराने से पुराने वीडियो पर व्यूज़ कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका मान लीजिए कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है और चैनल पर मान लीजिए कि सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है बट आपके यूट्यूब चैनल का जो वीडियो उस पर यदि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो दोस्तों व्यूज़ पुराने से पुराने वीडियोस पर व्यूज़ कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए कोई आप पुराना वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, तो उस पर व्यूज़ नहीं आया है, मान लीजिए 10, 20, 50, 100 आया है और वो आपका अच्छा वीडियो है, मान लीजिए कि एक बहुत ही यूजफुल वीडियो है, तो उस पर व्यूज़ कैसे ला सकते हैं, उसको रैंक करवा सकते हैं कैसे। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मान लिया जाए कि दोस्तों यदि आप एक वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, तो उस पर अच्छा खासा व्यूज़ तो आ गया है, 2K, 5K, 10K मान लीजिए, ऐसा सपोजेस कि मान लीजिए उस पर व्यूज़ आ गया अच्छा खासा। तो मान लीजिए दोस्तों उस पर यदि व्यूज़ आ गया तो आप चाहे तो इसके पुराने वीडियो को भी इससे मान लीजिए कि प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों कैसे होता है कि इंड स्क्रीन होता है, आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंड स्क्रीन होता है। इंड स्क्रीन लगा कर मान लीजिए कि आप अपने पुराने से पुराने वीडियो पर व्यूज़ ला सकते हैं। और दोस्तों इंड स्क्रीन होता है सब्सक्राइब का भी। मान लीजिए आपका चैनल, मान लीजिए कोई वॉच करता है आपके वीडियो को और दोस्तों यदि उसको सब्सक्राइब नहीं करना आता है आपके वीडियोस को, तो दोस्तों वो सब्सक्राइब मान लीजिए कि आपका एंड स्क्रीन जो लगाएगा उस पर यदि क्लिक कर लेगा तो वो आसानी से वो सब्सक्राइब कर लेगा आपके यूट्यूब चैनल को। दोस्तों ये कैसे होता है, नहीं होता है, कैसे सेव होता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरह अच्छी तरह से समझा देने वाला हूँ, जेन्युइन तरीके से, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, फिर आपको ये वीडियो दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अपने चलते मोबाइल स्क्रीन पर लेके। तो दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद देखिए दोस्तों हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली से सर्च मार लेना है यूट्यूब, आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से देख लीजिए यूट्यूब सर्च मार रहा हूँ, youtube.com। अब देखिए दोस्तों सर्च मारने के बाद कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, सो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसका जो है इंटरफेस खुल के आ चुका है, आपको 3 लाइंस जो दिख रही है कोने में देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यूट्यूब के बगल में 3 लाइन आपको दिख रही है, उस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ माई चैनल पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों किस इस तरह का इंटरफेस आएगा उसका, तो आपको सिंपली से वीडियो मैनेजर पर यहाँ पर जाना है। तो वीडियो मैनेजर पर जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस आएगा, सो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरह देखिए उसका इंटरफेस आ चुका है, वीडियो लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों हमें अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपको जिस भी वीडियो पर लगाना है अपना इंड स्क्रीन, तो वहाँ से आपको क्लिक करना है एडिट पे। तो देखिए दोस्तों मैं जूम करके दिखा देता हूँ, या एडिट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा सिंपली से, मैं ये वीडियो पर लगा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों मैं एडिट पे क्लिक किया हूँ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस आ जाएगा खुल के। तो देख सकते हैं यहाँ इंड स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो इंड स्क्रीन आपको सिंपली से यहाँ पर टच कर देना है। देखिए दोस्तों इंड स्क्रीन पर टच करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सो देख सकते हैं दोस्तों इंड स्क्रीन लगाने के बाद। देखिए दोस्तों इंड स्क्रीन पर टच करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस आ गया है। तो दोस्तों सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इंड स्क्रीन आप चार गो ही यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंड स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ 4 गो यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं 2 of 4। तो देख सकते हैं मेरा 2 गो हो चुका है कंप्लीट, और 2 गो और कह रहा है लगाने का। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कुछ नहीं, बस आपको सिंपली से आपको जहाँ मतलब देख सकते हैं यहाँ से इंड स्क्रीन चालू होता है लगने के लिए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एड जो है एडलेमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ 4 गो ऑप्शन आ रहा है खुल के। तो आपको देख सकते हैं यहाँ सब्सक्राइब करने का भी जो मिलता है एक,
इंड स्क्रीन। तो यहाँ पर आप क्रिएट पर क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ तो सब्सक्राइब करने का जो है वो बटन आ जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो मेरा है टिंकू टेक्निकल, देख सकते हैं यहाँ सब्सक्राइब करने का, यहाँ से आप वो जो सिंपली से आपको जो भी नहीं सब्सक्राइब करना जानता है यहाँ पर टच करेगा तो वहाँ सिंपली से आपको सब्सक्राइब भी कर लेगा और इसे आपका सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएगा फटाफट। आपको जो है पुराने से पुराने वीडियो पर देख सकते हैं मैं यहाँ लगाया हूँ तो उस पर भी व्यूज़ आ जाएगा यदि ये एंड तक ने आपका कोई वीडियो देखेगा। तो दोस्तों यहाँ चैनल का भी दे सकते हैं आप, यहाँ सब्सक्राइबर हो गया, यहाँ चैनल हो गया, लिंक आप दे सकते हैं यहाँ पर इनेबल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों क्रिएट, आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है यदि चैनल का लगाना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लगाना है या तो फिर सब्सक्राइबर लगाना है तो क्रिएट पर यहाँ क्लिक कीजिएगा तो वो सब्सक्राइबर वाला जो है अपने आप वहाँ पर आ जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों ये सब्सक्राइबर वाला सिर्फ और सिर्फ एक इंड स्क्रीन लगता है तो लगा दिया हूँ मैंने एगो। और देख सकते हैं वीडियो और प्लेलिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है तो इस पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो आप खाली वीडियोस लगा सकते हैं और इसमें सब्सक्राइबर में सब्सक्राइब इंड स्क्रीन लगा सकते हैं, देख सकते हैं जो मेरा। तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करता हूँ वीडियो और प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं फर्स्ट में देखिए दोस्तों ये मोस्ट रिसेंट अपलोड, तो दोस्तों इसमें कहता है कि मान लीजिए जो मोस्ट यानी जो इसमें देखिए दोस्तों यदि क्लिक कर दीजिएगा तो जो आपका वीडियो रहेगा वही सेव रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों उसमें जो है वीडियो सेव रहेगा दोस्तों, आपको सिंपली से लगाना है सिर्फ चॉइस है वीडियो और प्लेलिस्ट, जो दोस्तों आपको कौन सा चॉइस है तो दोस्तों वही आपको लगाना है ये सब। मान लीजिए कि उस पर यदि क्लिक कीजिएगा तो उस पर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ जो लगा रहेगा इंड स्क्रीन ऊपर वाला में सो वही रहेगा लगा हुआ। तो दोस्तों आपको जो है चॉइस है वीडियो और प्लेलिस्ट पे आपको सिंपली से क्लिक देना है बेस्ट ऑफ व्यूवर्स। मान लीजिए कि दोस्तों आपका कोई भी बेस्ट बढ़िया सा मान लीजिए कि जो है उसी को यदि इस पर टच कीजिएगा बीच वाला में तो मान लीजिए उसी का वीडियो जो है इंड स्क्रीन में दिखाएगा। और दोस्तों तीसरा है चॉइस है वीडियो और प्लेलिस्ट, तो दोस्तों इसमें सिंपली से आपको क्लिक करना है क्योंकि हमको चॉइस करना है चुनना है तो आपको चुन लेना है किस भी वीडियो को लगाना है। तो दोस्तों मान लीजिए कि वीडियो कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप यूट्यूब में अपना कॉपी कर लेंगे वीडियो सर्च मार कर यहाँ और एंटर ए यूट्यूब और प्लेलिस्ट URL। तो दोस्तों यहाँ पर URL कॉपी करने के लिए बोलता है, URL कॉपी करके डाल दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर भी आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं रहने देता हूँ, मैं दूसरा इंड स्क्रीन अब सेव करता हूँ। तो दोस्तों मैं इंड स्क्रीन ये वाला सेव करता हूँ हैशटैग वाला, तो यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है और आपको क्रिएट इलेमेंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ वर्किंग हो रहा है और देखिए दोस्तों यहाँ मेरा जो है लग चुका है तो इसको आपको एडजस्ट कर लेना है, आप जहाँ भी इसको रख सकते हैं इधर उधर। तो मैं फिलहाल यहाँ रहने देता हूँ दोस्तों और यहाँ मैंने देखिए दोस्तों लगा दिया है, तीन लगा चुका है, एक और लगाना है तो दोस्तों मैं छोड़ देता हूँ इसको और यहाँ सेव आपको दोस्तों सबको कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों वो सेव हो रहा है, तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा ये सेव हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे करके आप पुराने से पुराने यूट्यूब वीडियो पर भी व्यूज़ ला सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इंड स्क्रीन आप लगाकर आप पुराने वीडियोस पर व्यूज़ ला सकते हैं और दोस्तों आपका चैनल का जो है सब्सक्राइबर उसका भी मान लीजिए वीडियो पर आप अपने इंड स्क्रीन लगा सकते हैं और आपका यूट्यूब चैनल जो है वहाँ से आसानी से सब्सक्राइब कर लेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे, इस वीडियो में जो एक एक कही बात है वो आप मतलब फॉलो करिएगा तो दोस्तों आपका सब्सक्राइबर और व्यूज़ तो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझा पाया हूँ मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, ओके जय हिंद, वंदे मातरम।